खरगोन जिले के सेगांव में पिछले एक सप्ताह में क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत है। आज आदिम जाति संस्था में 400 बोरी खाद आया और 320 किसान लेने पहुंच गए। संस्था द्वारा प्रत्येक किसान को 5 बोरी यूरिया खाद दिया गया, जिसमें मात्र 66 किसान ही खाद ले पाए, बाकी किसान खाद लेने से वंचित रह गए। जिस पर राजेंद्र मंडलोई जिला अध्यक्ष कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ और धीरज मिश्रा जिला उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मजदूर किसान संघ के नेतृत्व में किसानों तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को यूरिया खाद की समस्या से अवगत कराया, जिस पर तहसीलदार ने खरगोन उच्च अधिकारियों किसे मोबाइल पर चर्चा करके सेगांव में पर्याप्त खाद भेजने की बात कही है, जिस पर सहकारिता अधिकारी एक दो रोज में खाद की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। वहीं किसान नेता धीरज मिश्रा ने बताया कि संस्था करीब 5 खाद की ट्रकों का एडवांस पेमेंट जमा कर चुकी है, फिर खाद के लिए किसान दर दर ठोकरे खाने के लिए विवश हो रहा है। शासन द्वारा यूरिया खाद की व्यवस्था की गई तो ठीक है, वरना जल्द ही किसान सड़क पर उतर कर आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन स्वयं होगा। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। किसान क्यों इकट्ठे हुए थे आज? जो सेगांव में आदिम जाति सोसाइटी संस्था है, वहाँ यूरिया खाद के लिए करीब 400 किसान इकट्ठे हो गए। मेरे को जानकारी मिली तो वैसे मैं घर से यहाँ आया, और चूँकि अभी यूरिया की सख्त आवश्यकता है और मात्र एक महीने में एक गाड़ी आई 330 बोरी, तो उसके वितरण के लिए हम साथी लोगों ने उसका जमा 66 लोगों को 5-5 बोरी वितरण करवाने की रखी बात, और माननीय तहसीलदार महोदय को हम किसानों के माध्यम से अवगत कराया गया है, और माननीय तहसीलदार महोदय ने हमें आश्वासन दिया और ऊपर खरगोन भी उन्होंने बात करी है, तो जल्द से जल्द किसानों की समस्या हल होगी और उनको यूरिया खाद मिलने की पूरी संभावना है। क्या नाम लिखता है? राजेंद्र सिंह मंडोई, अध्यक्ष जिला सहकारिता प्रकोष्ठ खरगोन। क्या आप यूरिया लेने आए आज? हमें यूरिया लेने आए आज? आज यूरिया लेने आए हम, और एक गाड़ी 330 बोरी यूरिया आई है, और हम किसान कम से कम 400 से 450 किसान यहाँ पर आए हैं। अब एक किसान को 5 बोरी यूरिया दे रहे हैं, मात्र 66 किसानों को एक महीने बाद यूरिया मिल रहा है, बाकी 350-400 किसान कहाँ जाए? किसान की कोई सूद लेने वाला ही नहीं है, ना कोई जिम्मेदार अधिकारी इस बात का जवाब दे रहा है। हमने समिति प्रबंधक से बात की तो समिति प्रबंधक ने कहा है कि मैंने 8 गाड़ी की रेत लगा दी है, बहुत पहले से लगा दी है, लेकिन एक एक गाड़ी यूरिया आ रहा है। अब 330 बोरी लेके किसान को मात्र 66 किसानों को खाद मिलेगा, किसानों के साथ इतना छलावा क्यों क्या हो रहा है? क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम लिखता? धीरज मिश्रा, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।